नरवर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य केंद्र में स्वच्छता अभियान के तहत आउटसोर्स से पदस्थ सफाई कर्मचारियों को 5 महीने से वेतन न मिलने के कारण उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी है। सफाई न होने से अस्पताल में हर तरफ गंदगी फैल गई है। नरवर सामुदायिक स्वास्थ्य पर आउटसोर्सिंग कंपनी के ठेकेदार के द्वारा सफाई कर्मी नियुक्त किए गए हैं। सफाई कर्मचारियों के ठेकेदार के द्वारा वेतन नहीं दिया जा रहा है और वेतन नहीं मिलने से सफाई कर्मचारी अपना परिवार चलाने में असमर्थ होकर भूख से मरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। अब ऐसे में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे नरवर हॉस्पिटल में गंदगी का अंबार लग गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्म वाल्मीकि है। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि हम सफाई कर्मचारी हैं और पिछले 8 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं और ठेकेदार के द्वारा हमें 5 महीने से वेतन नहीं डाली जा रही है। हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं और घर की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। कब से आपकी वेतन नहीं डाली? हमें ये 5 महीना चल रहा है। आपने कब से सफाई रोकी हुई है यहाँ पर? आज हमारा 6वां दिन है। ठीक है, हमारी वेतन नहीं मिली 5 महीने से। हाँ, काम बंद कर दिया है हमने। कब तक काम रोके रहोगे आप? वेतन नहीं मिलेगी जब तक। और आपकी मांगे क्या है? मांगे ये जी है मांगे है हमारी वेतन मिल जाए और ठीक है। सर, जो कर्मचारियों को लेकर सफाई की समस्या आ रही है, सर इसका क्या मामला है? देखिए, हमारे जो हॉस्पिटल में सफाई की जो व्यवस्था है ना, हाँ, सफाई व्यवस्था का संचालन ठेके के माध्यम से किया जाता है। हाँ, और इसका ठेका एक एजेंसी है, जीवन मित्रा। क्या जीवन मित्रा नाम की एजेंसी है, उसको इसका ठेका दे रखा है और ये लोग उसके उनके माध्यम से काम करते हैं। इनकी वेतन वेतन का क्या लफड़ा चल रहा है? इनकी वेतन का ही भुगतान जो है ठेकेदार करता है। ठीक है, जो ठेकेदार है ये उसके आदमी हैं, ये हमारे यहाँ पर सफाई का काम करते हैं। हाँ सर, इनका कहना है कि हमारी जगह दूसरे कर्मचारियों से काम करवाए जा रहे हैं। नहीं, अभी कोई कर्मचारी ठेकेदार ने नहीं भेजे मेरे पास में कि दूसरे आदमी लगा लिए और इनको भगा दिया। ये चूंकि ठेकेदार का मामला है, हमारा कोई मामला नहीं है। हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं करना हमारा काम है। ठीक है, इनकी वेतन वेतन मिलेगी? वेतन का सारा दायित्व जो है ठेकेदार का है, प्रशासन का जहाँ तक काम है, मेरा जहाँ तक रोल है, मैं अपनी तरफ से जिनकी जो भी अटेंडेंस है पिछले महीने तक वेरीफाई करके ठेकेदार के पास जा चुकी है, ठेकेदार ले जा चुका है पिछला महीना, मतलब नवम्बर तक। अभी चल रहा है दिसंबर का महीना। ठीक है, तो मेरे यहाँ से वेरीफाई होकर चली गई है। मेरा सिर्फ इतना बार काम है कि इनके द्वारा ये काम किया गया, अटेंडेंस दी जाती है, वो मैं दे चुका हूँ। ठीक है।